बिहार में तीसरी लहर है, और यहाँ पे हम सारे के सारे जो एसोटेरिक टेस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड इम्यूनो एसेस, स्पेशलाइज्ड बायोकेमिस्ट्री, स्पेशलाइज्ड हॉर्मोन, आपके जो रूटीन हॉर्मोन है विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सारे के सारे आपके बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स, स्पेशलाइज्ड बायो जैसे सीसी के एंटीबॉडीज हो गया, और क्या कहते हैं आपके जितने इनफर्टिलिटी हॉर्मोन्स हैं, जितने ऑटोमिक पैरामीटर्स हैं, ये सारे टेस्टों की हम यहाँ पे जांच चालू करेंगे। इसके अलावा हेमेटोलॉजी है आपका, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, और क्या कहते हैं हमारी जो मेन जीआरएल लैब है वहाँ पे हम जेनेटिक बेस्ड टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम स्पेशलाइज इम्यूनो एसे बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी का पूरा टेस्टिंग लोकल लेवल में प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम यहाँ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, और जो एडवांस लेवल की जेनेटिक बेस्ड टेस्टिंग है वो हम अपने मेन लैब जीआरएल में जो है मुंबई में है वहाँ पर इसको भेजेंगे। पटना में और भी बहुत सा पैथोलॉजी लैब है, उस मामले में ये अलग कैसे है? बेसिकली हम अपनी क्वालिटी, अपनी स्पेशलाइज्ड मैन पावर और अपने स्पेशलाइज प्रोसेसेस को लेके पूरा ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भी फॉलो दी रूटीन्स एज पर दी एनएफएल एक्रेडिटेशन, एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ दी एनएफएल, जितनी भी हमारी प्रोसेस हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, हम एनएफएल की गाइडलाइंस के हिसाब से और जो क्वालिटी पैरामीटर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किए हुए हैं उसको फॉलो करते हैं, तो जिससे हम ये एश्योर कर सकते हैं कि हम अपने डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को एक क्वालिटी रिपोर्ट दें, क्वालिटी सर्विस दें, और हमारे पूरे शहर भर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे हमारा फीडबैक इन टर्म्स को लेके काफ़ी अच्छा है, और हम पूरे हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हम इन पैरामीटर्स पर खड़े हो जाए। एक सबसे बड़ा सवाल पेशेंट के साथ ये होता है, क्या पैथोलॉजी जहाँ हम ज़्यादा जाँच करवाने काफ़ी महंगा है या फिर बजट के अंदर में? नहीं, हमने यहाँ पे लोकल प्राइसिंग को ध्यान रखा है, और जो यहाँ पे प्रिविलेंट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से अपनी हमने कॉम प्राइसेस को उसी हिसाब से एडजस्ट करके रखा है, जिससे हम अपने पेशेंट्स को एक क्वालिटी सर्विस एज ए क्वालिटी प्राइस, इकोनॉमिकल प्राइस में दे सकें। अपने परिचय दीजिए। मैं राजेश त्रिपाठी हूँ, मैं ईस्ट एस बी ओ का हेड हूँ, और ये पूरा एरिया मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का। थैंक यू।